संबल के डीएवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को 12th ऐसा टॉप स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स के साथ जोरदार वेलकम किया गया। अपने बच्चों की अचीवमेंट को देखकर कुछ पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों की सफलता से खुशी के मारे गला भी रुंध गया है। स्कूल प्रिंसिपल अलका गुप्ता ने सभी स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाकर और पेरेंट्स को मिठाई के साथ साथ फूलमालाएं भेंट कर स्वागत किया। जिन छात्रों को सम्मानित किया गया उनमें प्रमुख रूप से हिमानी गुलाटी, तमन्ना भूटानी, पुलकित वधवा वंश, निमिषा, शुभम वलेचा, झलक जिंदल, देवेंद्र, आरती, खुशी, ग्रोवर, रीतिका, विकास, विनायक, शीतल, तमन्ना डागर, साक्षी आदि शामिल हैं। वैसे सभी टीचर्स ने हमारे साथ सहयोग किया है कि हर इसमें खुशबू मैम, ज्योति मैम, नीना मैम सभी टीचर्स ने सहयोग किया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते सभी टीचर्स। इसके अलावा घर में आपको कौन से व्यक्ति ऐसे अच्छे लगते हैं जिन्होंने आपको बार बार प्रेशराइज किया हो कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, किसको आप नंबर देंगे? प्रेशराइज तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन मोटिवेट मेरे पेरेंट्स दोनों ने करा है। दोनों बताते हैं कि मतलब आगे अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा भविष्य बनेगा, जिससे अच्छा मुकाम हासिल होगा। आपने क्या सोचा आगे भविष्य में? आईएएस की तैयारी करेंगे। क्या आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप आईएएस की तैयारी करें या आपकी खुद की लगन है? नहीं, खुद की चाहते कि मतलब जैसे आजकल बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत भतीजावाद हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए हम आईएएस बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना। नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है, प्राउड उनको फील कराना, तो फिर वो अपने आप ही एक मोटिवेशन का काम करता है कि पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, पढ़ेगा नहीं मतलब पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, 12th के बाद आप क्या करना चाहेंगे? सोचा तो यार मैंने बीसीए है फ्रॉम बीयू, बाकी बीकॉम ऑनर्स के ऑप्शन में है कि आप ये चाहते हैं कि देश की सेवा में भी एक अच्छा पढ़े लिखे आगे भी काम करें। भविष्य की क्या योजना है आपकी इसके साथ? जो भी करना है, बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, सोसाइटी के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेहनत सफल हो गई है इतने टाइम के। कौन सा आपका सब्जेक्ट था? मेरा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स। अच्छा, तो कितने घंटे आप डेली पढ़ाई करते थे स्कूल के बाद? स्कूल के बाद एटलीस्ट 3-4 घंटे तो चाहिए। 3-4 घंटे पढ़ाई करते थे जी, वो तो है। घर में मम्मी किचन के लिए कुछ काम के लिए बोलते थे? अब जरूरत होती है वो तो होता ही है, अब ये चीज भी थोड़ी हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप पास आउट है, कहाँ जाने का इरादा, कहाँ पढ़ाई करेंगे आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोचा है। अच्छा, क्या बड़े होकर क्या बनने की तमन्ना? मेरा गोल तो आईएएस है। अच्छा, वाई, क्यों, किस लिए आईएएस, किस लिए बनना चाहते हो? एक थोड़ी इच्छा है कि मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करूं, विमेन सेक्शन के लिए कुछ करूं। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य अलका गुप्ता ने सभी छात्रों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि डीएवी केवल एक नाम नहीं है, बल्कि डीएवी वो संस्थान है जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार परोए जाते हैं। आज 1 करोड़ से भी अधिक छात्र डीएवी संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। +2 के बाद बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए डीएवी की अपनी यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में है, जहां सुंदर भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने डीएवी पलवल से निकलने वाले उन छात्रों के बारे में भी जानकारी दी जो आज देश के बड़े पदों पर विराजमान होकर अपने परिवार और स्कूल के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करके सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि ह्यूमैनिटीज ग्रुप में 96% लेके उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंदर सभी 5 सब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्शन है उसकी। मेरे तो दोनों बच्चे, दो बेटियां मेरी, एक बेटी यहाँ से पास आउट हो चुकी है, दूसरी अभी 10th क्लास का रिजल्ट आया है, 90% से उसने 10th पास किया। डीएवी मुझे इसलिए पसंद आया कि डीएवी की जो ब्रांचेज हैं, इनकी यूनिवर्सिटी है, इनकी गर्ल्स यूनिवर्सिटी अब यमुनानगर में बनने वाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांच है जो मुझे आकर्षित करता है डीएवी का। अजय जी, जो मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं, आप स्वयं भी एक शिक्षाविद हैं, गाइडेंस भी देते हैं आप बच्चों को कि आगे बढ़कर, आगे जाकर उनको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, तो डीएवी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उनके लिए आगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? उनके लिए बहुत संभावनाएँ, इनकी इंडिया के अंदर इनकी 5 यूनिवर्सिटी हैं, एक यूनिवर्सिटी इनकी अभी लेटेस्ट, अभी 4 साल पहले इनकी जलंधर में खुली है, डीएवी यूनिवर्सिटी, उसमें इंटरनेशनल कोर्सेज हैं
और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं अपनी बिटिया को लेकर उस यूनिवर्सिटी में जब गया तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर 748 फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरी बच्ची डीएवी से है तो उन्होंने मुझे 5000 रुपये की तो छूट दी फीस में। उसके बाद मेरा जो नंबर था वो 749वां था, वो 78 नंबर पे आ गया। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले डीएवी के बच्चों को लेंगे हम। अब कल 10th का रिजल्ट आया है, 99% यानी कि 4500 से मैं 499 यानी 499। इतना टफ कंपटीशन, 13 बच्चे पास थे। पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ के नाम है स्टेटस चेंज आया क्या? बहुत चेंज आया है। हमारे टाइम पे एजुकेशन हुआ करती थी, जब हमने 10वीं पास करी तो हमारे टाइम पे ऐसा था कि 60% नंबर लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी, और जिस बच्चे के 60% मार्क्स आते थे हमारे प्रिंसिपल साहब उसे ट्रैक्टर पे बिठा के पूरे शहर की परिक्रमा लगाया करते थे, और सारा शहर उसे देखता था कि ये वो बच्चा है जो 60% लेकर आया है। अब जमाना अब क्या है, अब क्वांटिटी है, क्वालिटी डाउन हो गई है। शिक्षा का जो मेथड है वो रट्टाफिकेशन पे आ गया है। आजकल के बच्चे जो है उनका बेस कमजोर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। चाहे कोई भी स्कूल हो, पलवल के स्कूल हो, फरीदाबाद के स्कूल हो, एक भेड़ चाल सी चली हुई है कि मेरे स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क कैसे आएंगे। मार्क की तरफ ध्यान है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान कम है। ज़्यादातर बच्चे रट्टाफिकेशन पे डिपेंड हो चुके हैं। बच्ची 5-6 घंटे आराम से पढ़ती थी। अच्छा, घर में आप किचन के लिए भी काम के लिए बोलते थे कि हाथ बटाओ? कभी कभी जब शाम के टाइम थोड़ा हेल्प की जरूरत होती है तो वो करवाते थे। बच्चे घर में टीवी भी देखते थे? अच्छा, और सोशल मीडिया में कभी कभी थोड़ा बहुत कम है। अच्छा, इसके बाद क्या उसका गोल है बच्चे का? उसका आईएएस बनने का ज़्यादा सपना है। आईएएस बनने का अच्छा सपना है। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे आप? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है बच्चों के साथ, काफ़ी मेहनत करवाई है। बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही सभी लगन से पढ़ाने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? ठीक है, स्कूल बहुत अच्छा है और लगन और मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी जाके बच्चे इस तरह से मुकाम तक पहुँचे। जो बच्चे आपके बता रहे कि 5-6 घंटे आराम से पढ़ लेते थे, तो उसको मेंटली जो स्ट्रेस था, पढ़ाई का बोझ था, क्या उसको ज़्यादा लगता था थोड़ा? नहीं, 5-6 घंटे तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, आराम से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे की सफलता पर? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत करके आए ये तो बड़ी गर्व की बात है। वैसे तो मतलब पेरेंट्स का दबाव रहता है कि भाई इतने लाओ ये परसेंटेज, लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत से लाते हैं उन पर खुश रहना चाहिए। पढ़ाई में आप उसका हाथ बटाते थे, उसको पढ़ाते थे आप खुद? हाँ, जहाँ कहीं कोई थोड़ी प्रॉब्लम थी उनको जैसे मतलब उसको अच्छा लगता है, 2-3 घंटे किसी भी टाइम, मतलब वो ये नहीं भी पूरा है, जब जब उसको अच्छा लगता है वो पढ़ते हैं। आपकी जो आँखें इसमें भरी हुई हैं, ये खुशी के हाँ रोक नहीं पा रही है, चलिए अच्छी बात है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? स्कूल शुरू से यहीं पे पढ़ी है, अच्छा है उसके लिए। तो अब जो आपके बेटे ने टॉप किया है तो आगे आप उसको कहाँ पढ़ाएंगे? अभी हम रियो में करने के लिए हैं। क्या इरादा आपका, बच्चा क्या बने बड़ा होकर? उसने बताया था मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो उसका जो गोल है उसमें आप कितना योगदान करेंगे? क्या मतलब बच्चे के साथ है, अगर बच्चा करना चाहेगा तो हम उसके साथ। घर में किचन विचन में काम कभी कभी करती थी काम? स्कूल के बारे में आपने बताया कि बहुत अच्छा स्कूल है, क्या शुरू से ही बच्चा आपका यहाँ पढ़ रहा? हिमानी शुरू से यहाँ पढ़ नर्सरी से यहाँ तक पढ़ रहे थे।